हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बायो सेवर्ट के नियम को समझने वाले हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है और उतने ही शानदार तरीके से आज हम इस नियम को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम है क्या, बायो सेवर्ट नियम कहता क्या है। तो आपको जो फ्रेंड्स लिखना है उसे पहले ध्यान से सुन लीजिए। आपको अपनी कॉपी में पहले इतना लिखना है कि फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में किसी धारावाही चालक यानी तार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। उसी नियम को कहते हैं बायो सेवर्ट नियम। फिर से सुन लीजिए कि फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में क्या किया, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। उस नियम को कहते हैं बायो सेवर्ट नियम। अब आप इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स वाई धारावाही एक चालक है जिसमें धारा आई बह रही है। फिर यहां से हम मान लेते हैं, माना कि तार के एक छोटे भाग डेल्टा एल लिखिए या डीएल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटे भाग डेल्टा एल से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और यहीं पर हमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक। और माना ये जो अल्पांश लंबाई यानी डेल्टा एल तथा बिंदु पी के बीच क्या है, कोण थीटा है। समझ में आ गई बात, क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, इसमें लिखना है कि माना एक तार एक्स वाई है जिसमें धारा आई बह रही है, ठीक। फिर माना यहां लिखेंगे, माना कि तार के एक छोटे भाग लंबाई यानी अल्पांश लंबाई लिख दीजिए या तार के छोटे खंड की लंबाई डेल्टा एल से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर आगे लिखेंगे, माना अल्पांश लंबाई डेल्टा एल तथा बिंदु पी के बीच की का जो कोण है वो है थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर यही लिखेंगे कि इस अल्पांश लंबाई के कारण यहाँ पे बिंदु पी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है ना, क्योंकि छोटी लंबाई है चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, लंबाई बड़ी होती तो ये भी बड़ा होता। तो यही चीज अब हमें लिखना है दोस्तों, क्या लिखेंगे कि डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। ये आपको लिखना है, क्या लिखना है कि जो डेल्टा बी है निम्न बातों पर निर्भर करता है, किसके अनुसार, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार। पहला क्या लिखेंगे दोस्तों, यह का मतलब कौन, डेल्टा बी, समझ लीजिएगा कि यह तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब है दोस्तों कि जो डेल्टा बी होगा वो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती किसके, तार में बहने वाली धारा के, यानी तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, चुंबकीय क्षेत्र। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम का मतलब क्या है, ये क्या है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, तो पहला ये हो गया। दूसरा लिखेंगे यह तार की अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, ठीक ना, इसके समानुपाती होता है, ये लिखेंगे, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल यानी ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ये किसके हो जाएगा, किसके, डेल्टा एल के, है ना, डेल्टा एल के। अब तीसरा चीज क्या ध्यान देना, तीसरा यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो तीसरा इसमें होता है कि लिखेंगे कि यह अल्पांश लंबाई तथा p
पी के बीच, यानी जो बिंदु पी है, पी के बीच कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती होता है, हम इतना लिखेंगे, ठीक है ना। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा बी इसके लिखेंगे कि प्रोपोर्शनल किसके होता है फ्रेंड्स, ये हो जाता है साइन थीटा के, किसके, साइन थीटा के, यहां से हो जाएगा ये साइन थीटा, क्योंकि ज्या का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं कि यह इसमें क्या होता है, यहां इसके बीच, इसके बीच का मतलब यहां पे डेल्टा एल जो है और ये बिंदु पी है, इसके बीच बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और नेक्स्ट जो यहां पे है चौथी चीज, चौथी चीज है कि लिखेंगे कि यह अल्पांश लंबाई से, यह अल्पांश लंबाई अर्थात यह अल्पांश लंबाई से, लंबाई से बिंदु पी के बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से लिखेंगे तो इसको जल्दी से देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों कि डेल्टा बी, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, कह रहा है किसके अनुक्रमानुपाती, सॉरी किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या, अपोजिट, तो कह रहा है इसके बीच की दूरी, दूरी है आर, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये चीज कह रहा है। अब आपके पास दोस्तों यहां से ध्यान दीजिएगा, तो ये इक्वेशन नंबर वन है, ये टू है, ये क्या है थ्री है, और ये क्या है फोर है, ठीक ना। अब लिखेंगे कि चारों समीकरण को मिलाने पर, ठीक ना, लिखेंगे कि यहां से चारों समीकरण को मिलाने पर, ठीक, मिलाने पर, है ना, मिलाने पर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप इसको लिख दीजिए, फिर यहां से लिखेंगे डेल्टा बी, डेल्टा बी इन सभी के, सभी को जब अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आई, फिर डेल्टा एल, डी एल भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आई डेल्टा एल, उसके बाद साइन थीटा और अपान का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक, ये हो जाएगा। जब इसको बराबर आप हटा देंगे, जब इसको आप बराबर हटा देंगे तो यहां से हो जाएगा डेल्टा बी, डेल्टा बी बराबर, जब इसको बराबर हट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये कॉन्स्टेंट ऐसे नियतांक लग जाएगा, और यहां से हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा और अपान का आर स्क्वायर, ये यहां से एक नया सूत्र आपका तैयार हो गया। और यही क्या है दोस्तों, यही है बायो सेवर्ट का नियम, यही क्या है आपका बायो सेवर्ट का नियम, यही हो जाता है, ठीक है ना, यही क्या है बायो सेवर्ट का नियम है। आपने देखा कितना सिंपल सा है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों, यहां से पूछा जाता है कभी कभार कि ये जो म्यू नॉट है ये है क्या, तो इसे म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की, निर्वात की बोलते हैं चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, या इसी को पारगम्यता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक ना। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये क्या है म्यू नॉट, निर्वात की चुंबकशीलता। अगर इसका हम मान भी कहें तो जो म्यू नॉट का मान होता है वो होता है 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होता है, ठीक ना, इसको हेनरी प्रति मीटर से भी लिखते हैं, ठीक, या वेबर प्रति एम्पियर मीटर से भी लिखते हैं, चलिए ठीक। तो समझ में आ गया, ये था आपका बायो सेवर्ट का नियम। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।